मेरे पास इस तरह का कुछ फोटो फ्रेम्स थे एंड ये टोटल 7 पीसेस का सेट है और अमेजोन से लिया है मैंने एंड इसको मैं अब तक यूज़ नहीं किया था तो सोचा होम मेकओवर में इसको यूज़ करूं। तो इस पे मैं डूडल आर्ट बना के इसको लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने कुछ A4 साइज़ का पेपर लिया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ लाइट कलर्स के पेपर यूज़ करूँ क्योंकि डूडल आर्ट जो होता है वो लाइट कलर्स के पेपर में ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए प्रोसेस में लग जाते हैं। दो फ्रेम को मैंने खोल दिया है ताकि मैं इसका एप्रोप्रिएट साइज ले पाऊँ। इसका जो ये MDF पीस है इससे मैं साइज मेज़र करूँगी। ये मैं दूसरा वाला खोल रही हूँ, इसी तरह से मैं इसको खोल लूंगी। तो अब मैं लाइट कलर्स के पेपर को सिलेक्ट करूंगी। ये मैंने पूरा पैकेट लिया है, आप चाहे तो इसको लूज में भी एक दो पीस ले सकते हैं। तो ये 7 वो कलर्स हैं जो मैंने सिलेक्ट किया है। तो अब मैं इसमें डूडल आर्ट बनाऊंगी। सबसे पहले मैं पेपर में साइज़ ड्रॉ कर लूँगी ताकि उसके अंदर ही मैं आर्ट बना पाऊँ। अब मैं एक एक करके सब में आर्ट बना लूंगी। तो पेंसिल से मैंने सारा ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इस पे कुछ कलर करूँगी। तो कलर्स के लिए मैं ले रही हूँ स्केच पेन्स एंड आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं लाइक क्रियॉन्स और फिर वाटर कलर। मेरा सारा डूडल आर्ट रेडी है एंड मैंने इस पे कलर कर दिया है और इस पे कुछ कोड्स भी लिख दिए हैं। तो मैं इसको फ्रेम के साइज से कट कर लूँगी। इस तरीके से मैंने सारा कट कर लिया है। तो चलिए इसको फ्रेम में लगाते हैं। तो मेरा डूडल आर्ट फ्रेम रेडी है एंड ये बहुत क्यूट लग रहा है, आप भी ज़रूर ट्राई करना इसको। आप इसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं एंड घर में आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। तो ये था मेरा डूडल आर्ट फ्रेम्स। आई होप यू लाइक इट।